तो हम बात कर रहे हैं समय द लाइफ साइकिल ऑफ हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स, जैसे कि एग्जांपल में जैसे मैंने बताया आपको सेलेजिनेला है, साल्विनिया है, अजोला है, मार्सिलिया है, ये सब हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स हैं। और ये याद रखिए कि ज़्यादातर टेटोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स कम होते हैं साहब, ठीक है। और हेटरोस्पोरी को ही हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ समझेंगे कि क्यों हमने ऐसा कहा कि हेटरोस्पोरी इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो वही मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है चूँकि ये हेटरोस्पोरस हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल में वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे होते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो स्पोरोफाइट है तो स्पोरेंजिया। अब यहाँ खास बात ध्यान में रखने की ये है बच्चों कि जो स्पोरेंजिया है वह स्पोरेंजिया पहली बात तो दो अलग अलग तरह की होंगी क्योंकि हेटरोस्पोरस हैं, और वो स्पोरेंजिया कहाँ लगेंगी तो लीव्स पर लगेंगी, शाबाश। और वो लीव्स को क्या कहेंगे, तो उन लीव्स को हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल, शाबाश शाबाश। एंड माइक्रो स्पोरोफिल्स, अगर मैं आपसे पूछूं प्लोइडी क्या होगी साहब इनकी, तो प्लोइडी वही 2n होगी साहब, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल पे क्या लगेंगे, तो मेगा स्पोरेंजिया, शाबाश, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, ये मेल होगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोफिल पर क्या लगेंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लोइडी क्या होगी, तो वही 2n। अब यहाँ वही स्पोरोजिनस सेल, और उन स्पोरोजिनस सेल में क्या होंगी, तो कुछ होंगी स्पोर मदर सेल, क्या होंगी स्पोर मदर सेल। और वो जो स्पोर मदर सेल होती हैं उन्हीं को कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC कह देते हैं। और इधर माइक्रोस्पोरेंजिया में वही स्पोरोजिनस सेल, और उनमें से जो है ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो सब बिहेव करती हैं किसकी तरह, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक, प्लोइडी क्या होगी, शाबाश, डिप्लोइड। अब ये जो माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल में, तो इनमें होगा साहब मियोसिस, शाबाश। और ये मियोसिस कैसा कहलाएगा, तो इसको कहेंगे स्पोरिक मियोसिस। और उस मियोसिस से क्या बनेंगे, तो उस मियोसिस से बनेंगे स्पोर, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, और ये बनाएगी क्या, तो ये बनाएगी मेगा स्पोर, और ये बनाएगी माइक्रो स्पोर। प्लोइडी क्या होगी इनकी, तो मियोसिस का प्रोडक्ट है तो इसलिए हैप्लोइड। और रेस्पेक्टिवली मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब देखो बच्चों क्या होता है इनमें हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स में क्या होता है, देखो पहली बात तो वहाँ होमोस्पोरस में हमने क्या देखा था, तो होमोस्पोरस में हमने ये देखा था कि साहब स्पोर बने थे वो सारे एक जैसे थे, और वो वहाँ से रिलीज हो गए स्पोरेंजिया से, रिलीज होकर के कहीं दूर जा करके गिर गए, है ना, दूर जा करके गिर गए और जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट करके उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने प्रोथेलस बनाया, ठीक है। ये हमने होमोस्पोरोस्टेटोफाइट्स में देखा। अब हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स में ऐसा नहीं होता भाई साहब, हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स में प्रोथेलस नहीं बनता। वो जो इंडिपेंडेंट गेमेटोफिटिक प्लांट होता है ना, जो होमोस्पोरोस्टेटोफाइट्स होते हैं जिसमें हम कह रहे थे उसको प्रोथेलस, वो प्रोथेलस हेटरोस्पोरोस्टेटोफाइट्स में नहीं बनता। यहाँ स्पोर बनते से ही रिलीज नहीं होते,
ये स्पोर कहाँ रिटेन करेंगे, ये स्पोर रिटेन करेंगे इस मेगा स्पोरेंजिया में, इस माइक्रो स्पोरेंजिया में। और ये मेगा स्पोरेंजिया माइक्रो स्पोरेंजिया कहाँ लगे हुए हैं, तो ये मेगा स्पोरेंजिया माइक्रो स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल माइक्रो स्पोरोफिल पर, और ये मेगा स्पोरोफिल माइक्रो स्पोरोफिल कहाँ है, तो जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट उस पर, मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट है उस पर। और यह जो मेगा स्पोर है यह उसी मेन प्लांट बॉडी पर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर है, वहीं पर डेवलप होगा। और यह मेगा स्पोर डेवलप होकर के क्या बनाएगा, तो यह मेगा स्पोर डेवलप होकर के बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट। क्या बनाएगा, यह बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट। और इधर जो माइक्रोस्पोर है यह डेवलप होकर के क्या बनाएगा, तो यह डेवलप होकर के बनाएगा मेल गेमिटोफाइट। कहां पर बने ये गेमिटोफाइट, मदर प्लांट पर, उस स्पोरोफाइट पर। मेन प्लांट बॉडी पर जुड़े हुए हैं गेमिटोफाइट, ठीक है। और फिर अभी तक क्या इनमें रिप्रोडक्शन हुआ है, क्या इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो नहीं हुआ है अभी तक, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, रिप्रोडक्शन अभी गैमेट नहीं बने हैं, गैमेट तो अब बनेंगे। तो वो गैमेट कहां बनेंगे, तो भैया गैमेट बनते हैं गैमेटोफाइट पर, गैमेटोफाइट का मतलब यही है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगी, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट पर तो बनेगी आर्किगोनिया। प्लोइडी क्या होगी, वही है प्लोइडी। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इस मेल गैमेटोफाइट पर क्या बनेगा, तो इस मेल गैमेटोफाइट पर बनेगा एंथेरिडिया। समझ में बात, इस एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे, ये सब हैप्लोइड हैं, तो इसमें बनेंगे एंथरजोइड्स। और इस आर्किगोनिया में क्या बनेंगे, तो इस आर्किगोनिया में बनेंगे एक, अब बने गैमेट, अब बने सब गैमेट। और ये गैमेट कहां बने, तो ये गैमेट बने हैं गैमेटोफाइट पर। कहां बने हैं, गेमिटोफाइट पर। और यह गेमिटोफाइट कहां जुड़ा हुआ है, तो यह गेमिटोफाइट इस मदर प्लांट पर ही है, स्पोरोफाइट पर ही है। और इसलिए हम पता है क्या कहते हैं, जो हिट्रोस्पोर स्टेडोफाइट्स हैं उनमें हम कहते हैं कि द गेमिटोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। The gametophyte is partially dependent on spore. ये बाद में होंगे अलग, लेकिन आप देखिए उनमें तो क्या हुआ था, होमोस्पोरस में तो स्पोर ही रिलीज हो गया था, रिलीज होकर के उसने अलग से एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनाया जिसको हमने प्रोथेलस कहा साहब, फिर उसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया लगे साहब, और फिर जो है उसके बाद क्या नाम से वही उनमें फ्यूजन हुआ और फिर वो एम्ब्रियो बना और वो नया प्लांट बनाया उसने। लेकिन इनमें आप गौर से देखो कि ये जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये कहां डेवलप हुआ, तो ये फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप हुआ है मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, जो कहाँ है मेगा स्पोरोफिल पर, जो कहाँ है मदर प्लांट पर स्पोरोफाइट पर। ऐसे ही ये जो मेल गेमिटोफाइट है ये कहाँ डेवलप हुआ है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जो कहाँ है माइक्रोस्पोरोफिल पर, जो कहाँ है मदर प्लांट पर यानी कि स्पोरोफाइट पर। समझ मारी बात, कहाँ है स्पोरोफाइट पर, समझ गए बात को। अब साहब ये एंथरजोइट और एक का होगा क्या, तो अब इनका होगा फर्टिलाइजेशन। ये रिलीज होंगे एंथरजोइट और रिलीज होकर के जो है इस आर्किगोनिया में आएंगे सब, और फिर उससे बनेगा क्या, तो उससे बनेगा डिप्लोइड जायगोट। ये जायगोट किसमें डेवलप होगा, तो
होती है, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्ब्रियो कहाँ बना, ये एम्ब्रियो कहाँ बना, कहाँ बना ये एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो बनाया भाई साहब मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। और मेगा स्पोरेंजिया कहाँ है, मेगा स्पोरेंजिया है मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट पर। क्यों हमने कहा कि हेटरोस्पोर इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, तो पहला तर्क तो मैंने आपको दिया ही सही कि साहब सीड क्या है, कि सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एंड व्हाट इज ओव्यूल, तो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, और वो मेगा स्पोरेंजिया सबसे पहले किस में आई, कि हेटरोस्पोर स्टेडोफाइट्स में। अब मैं इसका दूसरा पहलू दिखाता हूँ आपको, इसका दूसरा तर्क देता हूँ, दूसरा पहलू दिखाता हूँ, जो आप और ज़्यादा आसानी से इसको समझ पाएंगे। साहब एक सिंपल बात करते हैं, जैसे आप अपन जानते हैं कि साहब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड होता है। साहब कोई भी ले लो, आप कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट ले लो, है ना, जैसे आप तो ले लो आम ले लो, साहब आम का पेड़ है साहब, तो आम के पेड़ में अगर मैं आपसे कहूँ बीज कहाँ है, सीड कहाँ है, तो आप कहोगे साहब आम के फल के अंदर, फल के अंदर ही होती गुठली, उसके अंदर होता है सीड, उसी के अंदर होता है एम्ब्रियो। भाई सीड में क्या होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। भाई एक तो आप आम खाते हो, तो आम का वो जो फ्लेशी पार्ट होता है वो तो सब क्या है, ओवेरी होती है, वो तो फ्रूट होता है, तो ओवेरी होती है। अब ओवेरी तो पाई नहीं जाती और किसी प्लांट में, ओवेरी तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। उसके अंदर वो गुठली होती है साहब, ठीक है ना, तो वो भी ओवेरी की वाल होती है। और फिर उसके अंदर जो है क्या नाम से, आपको वो गुठली के अंदर निकलता है कुछ वाइट वाइट सा, एक वाइट गुठली कलर की गुठली, वो होता है उसका सीड, और वो होता है उसका एम्ब्रियो, वो होता है उसका एम्ब्रियो, वो होता है उसका सीड। सीड में क्या है, एम्ब्रियो ही है। अब जरा गौर से देखो कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ है, सीड में है, सीड का ही पार्ट है एम्ब्रियो। और वह सीड कहाँ है, तो फल के अंदर। अब इनमें फल फल तो नहीं होते, लेकिन वो फल कहाँ है, तो फल आम के पेड़ पर, फल कहाँ है, फल आम के पेड़ पर है। और मैंने कहा एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म है तो यार मेन प्लांट बॉडी कैसी हुई, तो स्पोरोफाइट हुई कि नहीं हुई। भैया आप जानते हैं ना, सिखा दिया मैंने आपको कि टेडो जिम्नो एंजियो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो जो आम का पेड़ है वो क्या है, तो वो स्पोरोफाइट है। और उस मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट पर जो फ्यूचर का प्लांट है, यानी कि एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है, वो टिका हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। बोलो या सोनो, एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट जो उस आम के पेड़ में सीड में है, और वह एम्ब्रियो जो सीड में है उस मदर प्लांट पर यानी कि स्पोरोफाइट पर जुड़ा हुआ है। यही तो होता है सीड। अब आप गौर से देखो कि ये चीज इन हेटरोस्पोर स्टेडोफाइट्स में आई कि नहीं आई, कि फ्यूचर प्लांट यानी कि एम्ब्रियो, ये देख रहे हैं आप, फ्यूचर प्लांट यानी कि जो एम्ब्रियो है, यह एम्ब्रियो जो फ्यूचर का प्लांट है, यह फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो उस मदर प्लांट पर यानी स्पोरोफाइट पर जुड़ा हुआ है। और किसके अंदर है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। आम में भी तो यही है, जो आम का बीज है वो मेगा स्पोरेंजिया ही तो है, ओव्यूल ही तो है, एंड ओव्यूल क्या है, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, और वो मदर प्लांट पर स्पोरोफाइट पर टिकी हुई है, जुड़ी हुई है। एंड दैट्स व्हाई दैट हेटरोस्पोर स्टेडोफाइट्स, द हेटरोस्पोरी इज कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। बोलो बच्चा समझ में आया नहीं। और फिर ये एम्ब्रियो अब जा करके ये फीमेल गैमेटोफाइट डिटेच होगा, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोरेंजिया से अलग हो जाएगा, जब एम्ब्रियो बन गया ना उसमें, अब ये डिटेच हो जाएगा, और डिटेच होकर के दूसरी जगह गिर जाएगा, और फिर ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, तो फिर ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर के बनाएगा वही मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट। अब पहले तो मुझे बताओ कि इनके लाइफ साइकिल को कैसा लाइफ साइकिल कहना चाहिए, हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, हैप्लोडिप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लो हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए बताइए। पहले तो मुझे ये बताओ
इनके लाइफ साइकिल को कैसा कहना चाहिए, हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, हैप्लो डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लो हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? इट इज शाबाश डिप्लो हैप्लोन्टिक। होमोस्पोरस का भी यही था, हेटरोस्पोरस का भी यही था, डिप्लो हैप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। ये है लाइफ साइकिल ऑफ हेटरोस्पोरस स्टेलोफाइट्स। इसलिए कहा कि द हेटरोस्पोर इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इन द प्लांट किंगडम।